तो फाइनली गाइस, बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज ने आज सिनेमाघरों में 2 दिन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। कल यानी कि 6 अक्टूबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और फिल्म का आज दूसरा दिन था। अपने ओपनिंग डे पर फिल्म ने बहुत ही कम कलेक्शन किया और पता नहीं क्या बात थी, आखिरकार फिल्म तो बहुत ही शानदार थी लेकिन पब्लिक ने उतना प्यार नहीं दिखाया इस फिल्म के लिए जितना कि अक्षय कुमार की फिल्मों को मिलता था। लेकिन मिशन रानीगंज अपने ओपनिंग डे पर भले ही कम कलेक्शन करने में कामयाब रही लेकिन आज दूसरे दिन के कलेक्शन में हमें काफी अच्छा उछाल देखने को मिला और फिल्म का जो 2 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो मैं आपको बताने वाला हूं। इंडिया के अंदर टोटल कितना हो चुका है, पूरे वर्ल्ड में फिल्म अपने पहले 2 दिनों में कितनी कमाई कर चुकी है, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या फिर फ्लॉप, फिल्म का बजट कितना था। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें फिल्म मिशन रानीगंज की तो ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा थ्रिलर फिल्म थी। हालांकि फिल्म बहुत ही शानदार थी, फिल्म को पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जितने भी दर्शकों ने ये फिल्म देखी हर किसी ने तारीफ की, क्रिटिक्स ने भी फिल्म को लगभग 4.5 स्टार दिए थे और उम्मीद थी कि फिल्म कम से कम बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा कलेक्शन करने के बाद बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट होगी क्योंकि अक्षय कुमार की फिल्म ओ माई गॉड 2 इससे पहले गदर 2 के तूफान के सामने सुपर हिट हुई थी। लेकिन मिशन रानीगंज को उतना शानदार रिस्पॉन्स मिलता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है जितना कि मिलना चाहिए था। टीनू सुरेश देसाई के डायरेक्शन में यह फिल्म बनी है जिसको प्रोड्यूस किया है पूजा एंटरटेनमेंट यानी कि वासु भगनानी, दीपशिखा देशमुख और जैकी भगनानी ने। फिल्म में हमें अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा भी अहम किरदार में नजर आ रही है। और अगर मैं फिल्म के बजट की बात करूं तो दोस्तों फिल्म का जो ऑफिशियली बजट है वो लगभग 60 करोड़ रुपए का है। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि मिशन रानीगंज ने जो अपने फर्स्ट डे पर यानी कि ओपनिंग डे पर कल कलेक्शन किया था ऑफिशियली वो 2.75 करोड़ रुपए का किया था। खैर मुझे तो लग रहा था कि कम से कम 3.5 से 4 करोड़ रुपए तो करेगी लेकिन फिल्म का ऑफिशियली कलेक्शन 2.75 करोड़ रुपए रहा। फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 3.27 करोड़ रुपए रहा। ओवरसीज से भी फिल्म ने कोई खास कलेक्शन नहीं किया और फिल्म ने कमाई की ओवरसीज से सिर्फ 42 लाख रुपए की। तो फिल्म का जो पहले दिन का वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन रहा वो रहा 3.69 करोड़ रुपए। बात करूंगा मैं दूसरे दिन की तो दोस्तों दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में हमें उछाल देखने को मिला है। आपको बताता चलूं मैं कि आज दूसरे दिन फिल्म पूरे इंडिया से लगभग 5 करोड़ रुपए कमा रही है और ये नतीजा है कि फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, हर किसी को ये फिल्म पसंद आ रही है, फिल्म को तारीफें मिल रही है। तो आज दूसरे दिन फिल्म लगभग 5 करोड़ रुपए पूरे इंडिया से कमा रही है। तो फिल्म का जो इंडिया के अंदर टोटल नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 2 दिनों का वो 7.75 करोड़ रुपए हो रहा है। जा दोस्तों अपने पहले 2 दिनों में 7.75 करोड़ रुपए इंडिया से नेट कर रही है फिल्म और वहीं फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है वो लगभग 10 करोड़ रुपए का आंकड़ा टच कर जाएगा। और मुझे लगता है कि कल संडे है, कल फिल्म के कलेक्शन में और भी अच्छा उछाल हमें देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल अगर मैं बात करूं फिल्म के हिट और फ्लॉप की तो दोस्तों अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरह से फिल्म चल रही है मुझे लगता है कि अगर अपने बजट तक भी फिल्म पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन आपको कैसी लगी ये फिल्म आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।